हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। मैसेल कल्पना मिश्रा एंड आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा, वो है घरेलू मक्खी या हाउस फ्लाई, जिसे हम बोलते हैं मस्का नेबुला और मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, डायग्राम से ही क्लियर हो गया आपको कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। घरेलू मक्खी के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, उसकी लाइफ हिस्ट्री, उसके जनरल फीचर्स एंड माउथ पार्ट्स को तो हम इसके डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसके माउथ पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट होगा, इससे जो डिजीजेस कॉज होती हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड अगर आपको ये सभी कुछ पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहां से आप इजिली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहां पे मैं सारी पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ एंड अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सेंड कर देती हूँ, तो वहां से आप ये पीडीएफ इजिली डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हाउस फ्लाई यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन गिवन है। क्लासिफिकेशन फाइलम आर्थ्रोपोडा है एंड क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा का मेंबर है ये, जीनस मस्का एंड स्पीसीज इसकी हम दो स्टडी करते हैं, डोमेस्टिका एंड नेबुला। जो डोमेस्टिका स्पीसीज है वो यूरोप एंड अमेरिका में मिलती है एंड नेबुला स्पीसीज इंडिया में मिलती है। ठीक है, बहुत कॉमनली देखी जाने वाली ये हाउस फ्लाई होती है घरों में। जनरली जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं या बारिश का सीजन आता है, उस सीजन में बहुत ज्यादा हाउस फ्लाई देखने को मिल जाती है, घरेलू मक्खी घूमती रहती हैं। ठीक है, ये डायूरनल होती है, दिन के टाइम निकलती हैं, रात में ये नहीं निकलती हैं। और इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। ठीक है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। हेड इसका कंपैरेटिवली बॉडी के कंपैरिजन में कैसा होता है, थोड़ा सा लार्ज होता है, अपने ऊपर डायग्राम में देख भी लिया होगा। हेड इसका है ये पार्ट जितना है, ये ऊपर वाला ये हेड है। और हेड में क्या क्या है, इसके एंटीनी है, कंपाउंड आईज है एंड थ्री ओसिली है, ये बीच में तीन प्रेजेंट है, थ्री ओसिली है। एंड इसके बाद में आ जाता है इसका थोरेसिक रीजन, थोरेक्स में प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, तीन पार्ट में इसका थोरेक्स डिवाइडेड है। देन एब्डोमिनल रीजन आता है और इसमें थ्री पेयर ऑफ लेग्स हैं। टोटल देखो कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री पेयर ऑफ लेग्स। और जो इसके लेग्स हैं, ये अपेंडेजेस हैं, ये सभी सेगमेंटेड होंगे। लेग्स का स्ट्रक्चर हमने जब जनरल फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा किए थे तब भी किया था और अभी भी मैं बता देती हूँ। ये फाइव पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर होता है कॉक्सा, देन ट्रोंकेंटर, नेक्स्ट होता है इसमें फीमर, टिबिया एंड लास्ट टार्सस। टार्सस इसमें लिखा हुआ है, टार्सस फर्दर डिवाइडेड होता है फाइव टार्सोमियस में, देखो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, डिवाइडेड है। एंड लास्ट में टू क्लॉज भी मिलते हैं, इसमें क्लॉ भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप इसमें कौन से पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। हेड इज लार्ज विद अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होती है, ईच कंप्राइजिंग अबाउट 4000 ओमेटिडिया। ओमेटिडिया क्या होता है, ये इसकी जो कंपाउंड आई होती है, कंपाउंड आई आपने देखा होगा डायग्राम में, ऐसे बनाते, बहुत ज्यादा नेट टाइप की होती है इस तरह से, है ना, पूरा नेट होता है। तो ये जो एक पार्ट है ये होता है वन ओमेटिडिया। ठीक है, वन ओमेटिडिया। इस तरह के कितने ओमेटिडिया होते हैं आईज में, इसकी 4000 ओमेटिडिया होते हैं। ठीक है, थ्री ओसिली होते हैं एंड टू एंटीनी होते हैं। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, इससे पहले मैंने कॉकरोच कराया था, एंड कॉकरोच में भी कंपाउंड आई में मैंने नंबर ऑफ ओमेटिडिया बताए थे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, एंटीना भी सेगमेंटेड होता है, क्योंकि ये सेगमेंटेड इंसेक्ट्स हैं। जितने भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं वे सेगमेंटेड होते हैं, उनके अपेंडिजेस सेगमेंटेड होते हैं। तो इसके जो एंटीना है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, थ्री सेगमेंट्स होते हैं। सबसे नीचे वाला बेसल होता है स्केप, मिडिल होता है पेडिसल एंड टर्मिनल, सबसे ऊपर वाला होता है फ्लैजिलम। ये भी जब हम माउथ पार्ट्स देखने जा रहे हैं नीचे, उसमें इसका भी डायग्राम वहां पे डाला हुआ है, मैंने वहां पे देख लेंगे हम। ठीक है, थोरेक्स मैंने अभी डिवाइडेशन ऊपर बता दिया था, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स में। देन थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, वन पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, एंड जो मीजोथोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, एंड अ पेयर ऑफ हॉल्टर्स भी होते हैं, ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, हॉल्टर्स हमने आगे भी पढ़ना है मॉस्किटो में। ठीक है, मॉस्किटो में भी हॉल्टर्स होते हैं जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है।
ये देखिए इसके माउथ पार्ट का डिटेल डायग्राम यहाँ पर है। अभी माउथ पार्ट नहीं, ये बी वाला डायग्राम देखेंगे। बी वाला डायग्राम ये है, इसके जो एंटीना है उसका है, ठीक है। एंटीना का डायग्राम है, ये बेसल पार्ट है, स्केप, मिडिल पार्ट, पेडिसल एंड ऊपर वाला ये पार्ट जो है ये एंटीना है, ठीक है। और ये डायग्राम कहाँ पर प्रेजेंट है, देखो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके फेस या हेड में देखोगे तो ये कहाँ, यहाँ पर प्रेजेंट है, क्लियर। अब हम इसके माउथ पार्ट को देख लेते हैं, देन हम डायग्राम देखेंगे। माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, इसके स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं, एडप्टेड होते हैं फॉर सकिंग लिक्विड और सेमी लिक्विड। किस तरह का ये फूड एब्जॉर्ब करता है, जो लिक्विड होता है या सेमी लिक्विड होता है, ठीक है। और इसमें जो लेबियम होता है वो मोस्ट डेवलप्ड कंपोनेंट होता है माउथ पार्ट्स में, ठीक है। फॉर्म क्या करता है, क्या बनाता है, प्रोबोसिस। एंड प्रोबोसिस में फर्दर तीन रीजन होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यही तीनों हाउस फ्लाई के माउथ पार्ट्स में यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से, रोस्ट्रम, हॉस्टेलम एंड लेबलम। और हॉस्टेलम का काम क्या होता है, इस पर एक ओरल ग्रूव प्रेजेंट होती है, सॉरी यहाँ पे ओरल लिखना था, ओरल लिख गया है, ओरल ग्रूव प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसके थ्रू खाना अंदर की तरफ सक हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। इन द माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई मैंडिबल्स आर टोटली एब्सेंट। क्या एब्सेंट है, मैंडिबल, ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन आपके, ठीक है। हाउस फ्लाइज आर सेप्रोफेगस, फीड अपॉन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक डिब्रीजेस, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जितने भी होते हैं उन सबको खाती है। ये देखो इतना ही देखना है आपको, इसका जो मेन माउथ पार्ट है वो इतना ही है, इतना ही आपको देखना है, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, रोस्ट्रम मैक्सिलरी पल्प है, मैंडिबल एब्सेंट है, हाउस्टेलम एंड लेबिलम, और ये किसके पार्ट है, प्रोबोसिस के। प्रोबोसिस फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो इसमें लार्वल स्टेज भी आएगी। इसका लार्वा इंपॉर्टेंट होता है, इसका लार्वा होता है मैगट, ठीक है। ब्रीडिंग कब होती है इसकी, मार्च टू अक्टूबर, बिल्कुल सीजन आ गया इसकी ब्रीडिंग का, ठीक है। मार्च जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होंगी एंड अक्टूबर तक ब्रीडिंग होगी, जब तक कि इसमें बिल्कुल ठंड का मौसम आने नहीं लगेगा, यानी पूरी गर्मी एंड पूरी बारिश ब्रीडिंग होती है इसमें। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई लेज एग्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, स्पेशली जो गोबर होता है, काउडंग, बफेलो डंग, कुछ भी लिखो, ठीक है, गोबर उस पर, या हॉर्स मेन्योर, ह्यूमन फीसेस, मतलब कोई भी बिल्कुल ही सड़ी गली चीजों पे ये अपने एग्स को देते हैं। और इसके जो फीमेल होती है वो एक बार में 500 से 600 एग्स अपनी लाइफ टाइम में एग ले करती है, ठीक है। अ लार्वल स्टेज अकर इन हाउस फ्लाई दैट लिव्स इन डंग, ठीक है, एंड इज कॉल्ड मैगट। दो बार मोल्टिंग होगी, इट मींस क्या होगा, यहाँ पे थ्री इंस्टार लार्वाज बनेंगे, क्लियर। थ्री इंस्टार, पहला वाला बनेगा देन मोल्ट करेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर मोल्ट करेगा, फिर तीसरा बनेगा। तो लार्वा कितने बने, थ्री इंस्टार लार्वा बने, मोल्टिंग हुई दो बार, क्लियर। देखो एक बार ये इसकी लाइफ साइकिल है, ये आपकी एडल्ट हाउस फ्लाई है, एडल्ट हाउस फ्लाई ने एग्स दिए, एग से क्या निकला, लार्वा, लार्वा का नाम क्या है, मैगट, इंपॉर्टेंट है। देन मैगट से क्या बन गया, प्यूपा बन गया, एंड प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। बहुत इजी लाइफ साइकिल है हाउस फ्लाई की। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई रिस्पायर बाय मींस ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। लार्वा में रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है, ट्रैकिया की हेल्प से होता है। एंड थर्ड इन स्टार मैगट इज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू प्यूपा। यहाँ पे लार्वा, ऊपर हमने एक ही लार्वा देखा, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल में कितने, तीन इंस्टार लार्वा बनते हैं, देन प्यूपा बनता है। एंड प्यूपा इज कवर्ड बाय प्यूपल केस, और प्यूपेरियम उसे बोलते हैं, ठीक है। और प्यूपा से क्या निकलेगा, यंग हाउस फ्लाई इमेगो, ठीक है। यंग हाउस फ्लाई विल कम आउट आफ्टर 4 to 5 days, ठीक है, 4 to 5 days। और यहाँ पे जो लार्वल स्टेज होती है उसमें 6 to 8 days लगते हैं। यहाँ पे गलती से ये लिख गया था, हाउस फ्लाई शोज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर कैसी मेटामॉर्फोसिस होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसको होलो मेटाबोलस टाइप बोलते हैं। इससे पहले किसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही थी, कॉकरोचेस में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही थी। मायसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय मैगट्स, ठीक है। नीचे हमने हाउस फ्लाई से होने वाले डिजीजेस, स्प्रेड होने वाले डिजीजेस हमने लिखी हैं, बट एक डिजीज जो माइसिस है वो मैगट से होती है, हाउस फ्लाई के लार्वा से होती है। देखो कौन कौन से डिजीजेस हाउस फ्लाई से होती हैं,
एंथ्रैक्स ये एनिमल में होती है एंड लेप्रोसी, ट्रैकोमा, डायरिया, गैंग्रीन, प्लेग, गोनोरिया। यहाँ पे थोड़ा सा ये पीडीएफ शायद कट गई है, गोनोरिया इसको कंप्लीट कर लेना। गोनोरिया है ये सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है। देन टाइफॉइड लिखा हुआ है, क्या हुआ कट गया, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो लर्न है ना सारी चीजें। कोलेरा, नेक्स्ट है कोलेरा डिजीज होती है एंड डिसेंट्री। क्लियर, ये सारी डिजीजेस हाउस फ्लाई से होती हैं। हाउस फ्लाई इनके जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको कैरी करती है अपने साथ साथ में। ठीक है, तो एक तरह से हम देख सकते हैं हाउस फ्लाई बहुत सारे जो वायरस बैक्टीरिया हैं उनकी वेक्टर है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है, नेक्स्ट हम मॉस्किटो करेंगे, देन प्रॉन फिनिश करेंगे। इस तरह से हमारे सारे इनवर्टिब्रेटा लाइन बाय लाइन होते जाएंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। इसके अलावा इन लेक्चर्स को आप ग्रेजुएशन में भी अपने स्टडी कर सकते हो। बीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आपका ये इनवर्टिब्रेटा होता है। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा आपको तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक एक लाइक बहुत मायने रखता है मेरे लिए, तो प्लीज लाइक करिए, कॉमेंट करिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।